नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, वैकेंसीज का नोटिफिकेशन अपडेट हर बार की तरह इस बार भी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। यह जो आपकी वैकेंसी है वो किसी हॉस्पिटल या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी नहीं की गई है, यह वैकेंसी आपके कॉलेज के द्वारा निकाली गई है। यहाँ पर आपकी पैरामेडिकल की वैकेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर लैब असिस्टेंट एवं लैब अटेंडेंट की पोस्ट निकाली गई है एवं यहाँ पर जो वैकेंसी है वो रेगुलर पदों पर हैं एवं यहाँ पर भारत के सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर एक स्टेट की वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर भारत के सभी अभ्यर्थी इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन एवं आज के इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आप इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे एवं आप इन पदों पर कैसे आवेदन करते हैं, ये भी प्रक्रिया आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख लेते हैं नोटिफिकेशन आपका कहाँ से निकाला गया है। तो देखेंगे श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। देख सकते हैं 28 जनवरी 2023 को भी हाल ही में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। यह आपका ऑफिशियली विज्ञापन क्रमांक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग परमानेंट पोस्ट एट द कॉलेज। ठीक है दोस्तों, ये परमानेंट पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, एंड इसकी जो आवेदन की लास्ट डेट है आप वो भी देख सकते हैं, 20 फरवरी 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, वेबसाइट की लिंक ये दी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट हैं आप देख लें, यहाँ पर लाइब्रेरियन, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, म्यूजियम असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट। ठीक है दोस्तों, आज हम ये दोनों पदों के बारे में बात कर रहे हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट के यहाँ पर 2 पोस्ट हैं एवं अटेंडेंट के यहाँ पर 40 पोस्ट हैं। एंड यहाँ पर देखेंगे जो वेतन है, यहाँ पर लेवल 4 दिया गया है, यानी कि जो रेगुलर वैकेंसी है तो वेतन अच्छा ही होगा। एज लिमिट यहाँ पर 30 साल लिखी हुई है। अब हम देख लेते हैं इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है। तो हम बढ़ चलते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो यहाँ पर उन्होंने जो पे लेवल दिया है 4 इन टर्म ऑफ 7th CPC, तो लगभग आपका वेतन 25-30 हज़ार से स्टार्टिंग होगा। यहाँ पर लिखा है आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो लिखा है आपका शुड हैव पास्ट सीनियर सेकेंडरी 10+2, आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है। एंड लिखा है अथवा में एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ रिलेवेंट साइंस सब्जेक्ट, लिखा है यदि आपके पास में 12th नहीं है तो उसके समकक्ष ऐसा कोई सब्जेक्ट हो, उसके समान एग्जाम आपने दिया हो तो वो आप लगा सकते हैं। तो सभी के पास में 12th हैं तो आप 12th लगाएं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा है अथवा में या फिर ग्रेजुएट विथ रिलेवेंट सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन है आपका इसके रिलेवेंट सब्जेक्ट में तो आप वो भी लगा सकते हैं, साइंस से बायो वाले। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपकी क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे लेबोरेटरी अटेंडेंट की, तो यहाँ पर लिखा है 10th+ होना चाहिए, यदि आप 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट की, तो लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस से, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से, और 10th होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जाम फीस। तो एग्ज़ाम फीस यहाँ पर देखेंगे जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये है, एंड बाकी सब के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम फीस निःशुल्क है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपकी एग्ज़ाम फीस। बाकी इन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम होगा या फिर इंटरव्यू, ये सब मेंशन नहीं किया है। तो ये है भर्ती। तो यहाँ पर 10+2 एंड 10th लेवल पर लैब असिस्टेंट एवं लैब अटेंडेंट के पद पर अप्लाई कर सकते हैं, रेगुलर वैकेंसी है, परमानेंट पोस्ट है, आप देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते कि आप इस पर आवेदन कैसे करेंगे। तो देखेंगे ये श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखेंगे नोटिस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट
2023, यहाँ से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये आपकी लास्ट डेट है। यदि आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आपको यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन ये हियर इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका ईमेल एवं पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए मांगने लगेगा, तो यहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है अपडेट। तो यहाँ पर 10+2 लेबोरेटरी असिस्टेंट एवं लैब अटेंडेंट के लिए आप भर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।